हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सोलेस की एक और न्यू लॉन्च थी, कुछ टाइम हो गया है इस प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस राइडिंग पैंट की। ये सोलेस का आयन एयर मैश राइडिंग पैंट है। तो जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं एयर मैश है, तो ये ऑब्वियसली समर्स में आपको ज़्यादा काम आने वाला है एंड ये ज़्यादा वेंटिलेटेड रहने वाला है। तो काफ़ी ही एयरी राइडिंग पैंट होने वाला है ये सोलेस की तरफ से। एक्चुअली सोलेस के जो पहले राइडिंग पैंट आते थे, स्पेसिफिकली अगर S30 राइडिंग पैंट्स की बात करूँ, तो वो ज़्यादा आपको उसमें मेश मटेरियल नहीं था, उसमें आपको कॉर्ड्यूरा की मटेरियल एंड नॉर्मल पॉलिएस्टर मटेरियल ज़्यादा था। एंड उसमें एक आपको यहाँ पे पॉकेट मिलती थी जो कि आपको आप ऊपर करते थे तो वहाँ पे मेश मटेरियल था बस। तो काफ़ी लोगों को था कि लॉन्ग राइड्स पे वो पैंट में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसके लिए सोलेस ने एक ये नया पैंट लॉन्च किया है। इसमें आपको मेश सरफेस ज़्यादा मिल सकती है। तो आप आगे अभी वीडियो में इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बताते जा रहा हूँ एंड आप इसकी सिनेमैटिक्स में इसके टोटल डिटेल्स देख सकते हैं। Up my mind, all for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you. आप देख सकते हैं इसका मेश पैनल, यहाँ पे कितना ही ज़्यादा मेश का यहाँ यूज़ किया हुआ है स्पेसिफिकली वेंटिलेटेड रखने के लिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसकी बैक साइड पे भी देख सकते हैं। तो ये ऑल इन ऑल काफ़ी ही मेश ब्रीदेबल पैंट रहने वाला है। यहाँ पे आप पीछे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पर एडजस्टर्स भी मिल जाते हैं पैंट को टाइट करने के लिए। प्लस अगर मैं यहाँ पॉकेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। एंड इसके साथ आपको रेन लाइनर एंड थर्मल लाइनर दोनों मिल जाता है। तो इसका एक ये रेन लाइनर मिल जाता है, प्लस इसके अंदर साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्मल लाइनर भी मिल जाता है जो कि डिटैचेबल है, आप इसे डिटैच कर सकते हैं। एंड इसके और बैक में आऊँ तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टिंग जिप मिल जाती है पैंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। और एक इसकी जो अच्छी चीज़ है, जो कि सोलेस ने अभी इन्वेंशन किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो टेल बोन जो प्रोटेक्टर रहता है, जो कि सोलेस के आपके प्रीमियम पैंट में आपने देखा था, वो टेल बोन प्रोटेक्टर के लिए यहाँ पे आपको पॉकेट दी हुई है पहले से। तो यहाँ पे आप अपना टेल बोन प्रोटेक्टर अलग से परचेज़ करके लगा सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग कम है एंड 7000 के अंडर में ये पैंट है, तो टेल बोन प्रोटेक्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर आप अलग से लेना चाहें तो उसे ले सकते हैं। बाकी अगर प्रोटेक्शन की मैं बात करूं, तो इसमें भी लेवल 2 प्रोटेक्टर्स हैं। आपको हिप में भी लेवल 2 प्रोटेक्टर है, जो शिन वाला एरिया है वहाँ पे भी आपको लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। तो नी प्लस शिन में प्लस हिप में सब प्रोटेक्टर्स आपको जो हैं वो लेवल 2 हैं। एंड लेवल 2 में पावर टेक्टर्स के प्रोटेक्टर्स हैं इस पर, तो वो भी काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है एंड काफ़ी ही अच्छे प्रोटेक्टर्स रहते हैं। प्लस एक और चीज़ जो कि काफ़ी राइडर्स को रहता है कि एडजस्टर्स हमें मिलने चाहिए पैंट में, तो यहाँ पे एक एडजस्टर मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको वाइड ओपनिंग मिल जाती है पैंट को ओपन अप करने के लिए। तो नॉर्मली ये 16 इंच की है ओपनिंग, एंड कोई कोई पैंट्स में और लंबी ओपनिंग भी आती है, बट ये कोई स्पेसिफिक टूरिंग पैंट नहीं है इसमें, इसलिए ज़्यादा आपको ओपनिंग नहीं दी हुई है, बट इतनी ओपनिंग डिसेंट इनफ है बूट्स को घुसने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कॉटलाइट रिफ्लेक्टर्स का यूज़ किया हुआ है। प्लस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। तो ये सब क्या है कि नाइट राइड पे स्पेसिफिकली काम आती है एंड अच्छा रहता है। तो सोलेस हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड एंड काफ़ी ही अच्छा प्रोडक्ट्स उनके आ रहे हैं मार्केट पे। प्लस काफ़ी रिफ्लेक्टिव रहते हैं एंड मेन है कि इकोनॉमिकल रहते हैं। आपको उस प्राइस रेंज पे आपको ऑल इन ऑल सारे कंबाइंड चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो रेन लाइनर, थर्मल लाइनर प्लस लेवल 2 प्रोटेक्टर्स। अब जैसे इस पर एक और चीज़ अच्छा किया है कि इन्होंने आपको पहले से ही जैसे टेल बोन प्रोटेक्टर की जगह इस पर ऐड करके दी हुई है, ताकि आप उसे इंस्टॉल अगर करना चाहें तो बाद में उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ इस पर यह है कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि क्रॉच एरिया जो है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच पैनल मिल जाता है। तो ये चीज़ जो सरफेस है या जो मटेरियल का यूज़ हुआ हुआ है, ये स्ट्रेचेबल मटेरियल जान के यूज़ हुआ हुआ है, ताकि
काफ़ी ही अच्छे से स्ट्रेचेबल रहे एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहे। जब आप बाइक पे बैठ रहे हैं या उतर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती है, तो वो चीज़ एक अच्छी आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी होप करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन मिली होगी इस पैंट के बारे में। ये पैंट उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जो लोग को एकदम समर पैंट्स चाहिए हैं एंड एक ऑल कंप्लीट सेट चाहिए पैंट का विद लेवल 2 आर्मर्स, तो ये पैंट उस केस में आपको ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें मेश सरफेस का ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। अगर आप हैवी एडवेंचर करते हैं जहाँ पे आपको माइनस टेम्परेचर्स में भी जाना रहता है तो उस रीजन के लिए ऑब्वियसली ये पैंट नहीं है, क्योंकि मेश सरफेस है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ब्रीदेबल रहेगा एंड हवा ज़्यादा पास होगी इसमें। बाकी अगर और कुछ आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।